नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक पवार आप सबका स्वागत करता हूँ पॉलिसी प्लान डॉट कॉम के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हमारे इस वीडियो का टॉपिक है मोटर इंश्योरेंस में टू व्हीलर हो या बाइक या कार इंश्योरेंस हो, जिसका जो बंडल्ड पॉलिसी आया है गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। ओके, उसके बाद एक स्टैंड अलोन ओडी पॉलिसी निकली है, उसके बारे में इस वीडियो में हम पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। ओके, सो ओडी मतलब ओन डैमेज पॉलिसी, स्टैंड अलोन ओडी पॉलिसी, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो बने रहे हमारे साथ, इस वीडियो को आखिर तक वॉच कीजिए। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज लाइक शेयर और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। तो सबसे पहले समझ लेते हैं बंडल्ड पॉलिसी क्या है। तो IRDA ने 2018 सितंबर 1 को बंडल्ड पॉलिसी लाई है। ओके, कार की जो पॉलिसी है वो 3 साल की है और टू व्हीलर की जो पॉलिसी है वो 5 साल की है, अगर कोई नया गाड़ी खरीदने जा रहा है तो। अगर कोई बाइक खरीदता है 5 साल नई बाइक खरीदता है तो उसको फर्स्ट ईयर कॉम्प्रिहेंसिव और बाकी के जो कंप्लीट 5 साल है उसको थर्ड पार्टी की पॉलिसी दी जाती है। ओके, और जो कार इंश्योरेंस है उसको 1 साल का कॉम्प्रिहेंसिव और 3 साल का थर्ड पार्टी दिया जाता है। ये आपको 3 साल का कॉम्प्रिहेंसिव भी मिल सकता है कार का और 5 साल का भी टू व्हीलर का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव मिल सकता है, लेकिन नॉर्मली जो गाड़ी के साथ दिया जाता है वो यही पॉलिसी रहता है कि फर्स्ट ईयर कॉम्प्रिहेंसिव और बाकी के जो साल है वो थर्ड पार्टी के रहते हैं। ओके, तो हम इसको समझ लेते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट ईयर की पॉलिसी जो है वो खत्म हो जाती है, उसके बाद मेरा थर्ड पार्टी का ही कवर रहेगा। थर्ड पार्टी मतलब सिर्फ और सिर्फ सामने वाले का खर्चा मिलेगा। ओके, जो सामने वाले की पार्टी है जिसको मैंने इंजर्ड किया, जिसको मैंने डैमेज किया, लेकिन मेरा सेल्फ डैमेज है, ओन डैमेज है, उसको कवरेज नहीं मिलने वाला एक फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि मेरा कवरेज जो बाकी रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी का रहेगा, राइट। तो जो लोग अपनी गाड़ी को पूरी तरह इंश्योर्ड रखते हैं, कार को बाइक को, उनके लिए ओन डैमेज जो है कवरेज, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज बहुत बड़ी बात रहती है। वो हमेशा अपना कवरेज लेके चलते हैं ओन डैमेज का, क्योंकि थर्ड पार्टी में आपकी गाड़ी अगर चोरी होती है तो उसको भी कवरेज नहीं मिलेगा। अपने आप हम कहीं पे टकराते हैं, पेड़ से टकरा गए तो उसको भी कवरेज नहीं है, ओन डैमेज मतलब सेल्फ डैमेज को कवरेज नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ एक थर्ड पार्टी कंपल्सरी कवरेज जो है वही रहेगा, ठीक है। तो इसको कैसे लिया जाए, ओके, तो उसके लिए हम आपको अभी बताएंगे इस वीडियो में। तो एक स्टैंड अलोन ओडी पॉलिसी को अप्रूव किया गया IRDA की तरफ से 2019 सितंबर 4 को। ओके, वहां से अलाउ किया गया IRDA की तरफ से, क्योंकि 1 साल कंप्लीट होने जा रहा था। तो मेरा गाड़ी का जो है फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी सेकेंड ईयर से मुझे कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस की जरूरत है। तो मैं स्टैंड अलोन ओडी पॉलिसी लेता हूं, जिसमें सिर्फ ओन डैमेज का ही प्रीमियम मुझे देना पड़ता है, उसमें लायबिलिटी का प्रीमियम नहीं आएगा और उसके ऊपर का जो है GST वो भी नहीं लगेगा। ओके, उसमें ऑप्शनल है, आप PA कवर भी ले सकते हो, पर्सनल एक्सीडेंटल कवर जो है वो 15 लाख का आता है टू व्हीलर के लिए भी और फोर व्हीलर के लिए भी, वो आप ले सकते हो। उसके बाद जो एडऑन्स है वो ऑप्शनल है, वो भी आप ले सकते हो। कंपनी टू कंपनी एडऑन्स डिफर करते हैं। एडऑन्स मतलब जीरो डेप्रिसिएशन का एक एडऑन रहता है, एडिशनल फीचर है उसका जीरो डेप का। उसके बाद रोड साइड असिस्टेंस हो, रिटर्न टू इनवॉइस हो, क्योंकि अगर ओडी पॉलिसी नहीं अगले साल की है तो ये फीचर्स भी नेचुरली उसमें दिए गए नहीं रहते। तो ये सब फीचर्स आपको मिल सकते हैं एड ऑन स्टैंड अलोन एंड एड ऑन पॉलिसी के साथ में। ओके, ओन डैमेज पॉलिसी के साथ में ये सब एड ऑन मिल सकते हैं, ऑप्शनल्स रहते हैं, ठीक है। तो टू व्हीलर के लिए भी और फोर व्हीलर के लिए भी दोनों के लिए सेम एप्लीकेबल रहेगा। 15 लाख का जो PA कवर है वो भी ले सकते हैं, पैसेंजर को पैसेंजर कवर या जो भी एडवांस है जैसे रोड साइड असिस्टेंस मैंने आपको बताया और जीरो डेप कवर, ये ओडी के साथ में मिलेगा। थर्ड पार्टी तो मेरा ऑलरेडी चल ही रहा है। देखिए, इसमें और एक बात है कि आपका जो थर्ड पार्टी का जो पॉलिसी है कंप्लीट 1 साल का बाकी रहना जरूरी है। इसका मतलब कम से कम 1 दिन पहले आपको ये दूसरी जो पॉलिसी है सेकेंड ईयर की वो लेनी जरूरी है। अगर मान लीजिए 1 साल में से 1 दिन निकल जाता है तो आप दूसरी कंपनी की स्टैंड अलोन ओडी ओन डैमेज पॉलिसी नहीं ले पाते,
क्योंकि उसको 365 डेज की पॉलिसी मिलती है, और ये जो थर्ड पार्टी पॉलिसी है वो आपकी एक दिन कम हो गया 365 डेज में से, तो 364 डेज रहेगी। तो ये पॉलिसी वहां पे मैच नहीं होती और पॉलिसी ले नहीं सकते आप, इसलिए कंप्लीट एक साल बाकी रहना जरूरी है। ओके, लेकिन अगर आपके कुछ दिन निकल गए और आपको ओन डैमेज पॉलिसी लेनी हो, तो आपकी जो पहली पॉलिसी है जिस कंपनी की भी, मान लीजिए किसी ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की पॉलिसी लेके रखी है, जब उसने पॉलिसी इंश्योरेंस बाय किया था, जब गाड़ी ली थी तब आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की पॉलिसी उसको मिल गई थी, और उसके स्टैंड अलोन ओडी पॉलिसी के जो है 365 की जगह पे 5-6 दिन कम बचे हैं, ओके, मतलब पहला साल कंप्लीट होकर 5-6 दिन हो चुके हैं या ज्यादा दिन हो चुके हैं, तो वो सेम कंपनी का पॉलिसी ले पाएगा, लेकिन किसी और कंपनी का पॉलिसी नहीं ले पाएगा। ओके, अगर ये पॉलिसी स्टैंड अलोन ओडी जो पॉलिसी है वो लेना चाहता है और पहला पॉलिसी एक्सपायर्ड है, ओके, और सेम इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी है, तो उसको जो है इंस्पेक्शन, सेल्फ इंस्पेक्शन के लिए जाना पड़ेगा। सेल्फ इंस्पेक्शन हो या कंपनी का इंस्पेक्शन, उसके बगैर ये पॉलिसी नहीं मिलेगी। तो ओन डैमेज मतलब कॉम्प्रिहेंसिव प्लान या फुल कवर आप बोल सकते हो, जो नॉर्मल भाषा में बोला जाता है, तो उसमें थर्ड पार्टी और ओन डैमेज दोनों मिल जाएगा। तो हम चाहते हैं कि आप सब अपनी गाड़ियों को पूरी तरह सुरक्षित रखें, क्योंकि गाड़ियां बहुत महंगी हैं और गाड़ियों के जो डैमेजेस होते हैं उसकी वजह से आप एक पीस ऑफ माइंड आप इसका खर्चा करवा सकते हैं। जीरो डेप अपने लिए तो 100% कवरेज मिलता है, कॉम्प्रिहेंसिव लिया तो रबर प्लास्टिक और जो भी पार्ट्स है कांच के वगैरह उसको 50% to 70% ही कवर मिलता है और 100% जीरो डेप में मिलता है। ओके, तो ये जो स्टैंड अलोन ओडी पॉलिसी है आप हमारी वेबसाइट से भी खरीद सकते हैं। हमारी वेबसाइट का पता है www.policyplanner.com। ओके, यहाँ पे जाके आप कार इंश्योरेंस या बाइक इंश्योरेंस पे क्लिक करोगे तो वहां पे आपको आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, HDFC ऑर्गो, SBI जनरल, ओके, उसके बाद डिजिट इंश्योरेंस, डिजिट जनरल इंश्योरेंस, ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं, उनकी पॉलिसी आपको मिलेगी। जस्ट क्लिक करके आप कोई भी ब्रांड चूज करके, लगभग लगभग सबका प्रीमियम सेम ही आता है, ओके, सबकी क्लेम प्रोसेस अच्छी है। उसके बाद हमारा भी 24/7 आपको क्लेम के लिए असिस्टेंस रहता है। हमारा जो टोल फ्री नंबर आपके स्क्रीन पे हमने दे रखा है उस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं कभी भी। आपने पॉलिसी कहीं से भी ली हो तो भी आप हमें बेझिझक कॉल कीजिए, हम आपको सपोर्ट करने के लिए हमेशा उत्सुक है। कभी भी आप कॉल कर सकते हैं और आपके जो भी हम आपको सपोर्ट कर पाएंगे मैक्सिमम वो हम हमारी तरफ से कर पाएंगे। क्लेम हो या आपकी पॉलिसी हो, पॉलिसी रिलेटेड कोई आपको सपोर्ट चाहिए, सहायता चाहिए, तो या आपका कोई भी जो पॉलिसी में एंडोर्समेंट रहता है, कुछ करेक्शंस रहता है, उसके लिए भी हम आपको हेल्प कर सकते हैं, हमारी टीम आपको जरूर हेल्प करेगी। तो आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं दोस्तों। तो बंडल्ड पॉलिसी जो है कॉम्प्रिहेंसिव फर्स्ट ईयर रहती है या कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव रहती है, तो जिन लोगों ने ऐसी पॉलिसी, आपकी पॉलिसी ओपन करके देख सकते हो, जिन्होंने गाड़ियां नहीं ली है अब सितंबर 2018 के बाद, उनको उन्होंने अपनी पॉलिसी ओपन करके देखनी, तो उनको पता लगेगा कि मेरी तो फर्स्ट ईयर ही कॉम्प्रिहेंसिव थी, आगे अभी सिर्फ मेरा थर्ड पार्टी बचा है। तो इस केस में आपको जाके ओन डैमेज पॉलिसी खरीदना है। ओन डैमेज पॉलिसी जब भी आपका नया साल रिन्यू होने को आएगा तभी आप ले पाओगे, बीच में नहीं ले पाओगे। ले सकते हो लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसी कंपनी का ले सकते हो जिस कंपनी का पहला पॉलिसी है। तो एक साथ आप दो कंपनियों का भी कवरेज चलता है, मतलब बंडल्ड पॉलिसी जो फर्स्ट ईयर की, मतलब जो गाड़ी जब नहीं ली थी तो वो मान लीजिए आईसीआईसीआई की है, तो दूसरे साल जो स्टैंड अलोन ओडी पॉलिसी है, ओन डैमेज पॉलिसी, वो HDFC की भी हो सकती है। ओके, तो इसमें आपके लिए कोई भी समस्या हो, कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो आप हमें पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर ये आपको सब्जेक्ट अच्छा लगा हो, आपके लिए कुछ भी यूजफुल हो इसमें, तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। और आपका समय देने के लिए बने रहे हमारे साथ, अगले वीडियो तक मिलते हैं वापस। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, बाय बाय।